तो चलो इसका सेंटर हम मास लोकेट करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो ये एक्चुअली क्या है, डिस्क है, डिस्क का 1/4 है, क्वाड्रेंट है, और जो मासेज है एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। तो मासेज अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है तो अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास करना है। इसकी पूरी की पूरी रेडियस आर ले लो यहाँ से, और इसके पास टोटल मास एम है, रेडियस आर है, तो इसकी टोटल एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। मास एरिया जो मासेज है एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई में भी आ जाएगा और एक्स में भी आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रल वाई डी एम, इंटीग्रल वाई डी एम और इंटीग्रल डी एम, या एरिया के टर्म में लिखोगे तो इंटीग्रल वाई डी ए एरिया और इंटीग्रल एरिया, ठीक है। तो पूरा एरिया ए बनेगा, तो ये जाएगा 4 और यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रल वाई डी ए। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इस फार्मूले से मैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा, और सेंटर ऑफ मास एक्स में भी आएगा। तो सबसे पहले वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सिमिलरली एक्स में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से चला गया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर, रेक्टेंगुलर एलिमेंट एंड इट्स थिकनेस इज डी एक्स, इट्स थिकनेस इज डी एक्स, इट इज एट डिस्टेंस एक्स, ये x डिस्टेंस पर है और इसकी जो थिकनेस है वो dx है, और ये जो है ये y इसका, ये y इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। चलो y पूरी जो लेंथ है वो y है। तो अगर मैं इसकी, इसको मैं इधर बनाऊं, इसकी इसकी मैं एरिया निकालूं, तो इसकी जो एरिया आ जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी जो एरिया आ जाएगी यो एरिया स्मॉल एरिया dA होगी, दैट इज y dx स्मॉल एरिया, ये जो है वो y है, और ये डालूं तो इसकी जो एरिया आ जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी जो एरिया आ जाएगी यो एरिया स्मॉल एरिया dA होगी, दैट इज y dx स्मॉल एरिया, ये जो है वो y है और ये dx है, ठीक है, तो स्मॉल एरिया आ जाएगी y dx। क्लियर, आके फार्मूले में रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यार 4 और पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और वाई क्या है भैया, वाई क्या है, वाई जो है इस एलिमेंट के का जो है सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं ना, तो इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ जो एरिया डी है उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा वाई बाई 2 पे, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास वाई बाई 2 पे आएगा, तो इंटीग्रल वाई बाई 2 और एरिया वाई डी डी एक्स, एरिया वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों के पास एरिया वाई डी एक्स, लिमिट जाएगा एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू प्लस आर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू प्लस आर। तो कुल मिला के ये एक 2 ने 2 को इधर खत्म कर दिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स एंड 0 टू आर, 0 टू आर। अब y, अब देखो दो दो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो x एंड y किसी रिलेशन से रिलेट होंगे। तो अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल में x और y रेडियस r है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, तो y स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब ये यहाँ पर लाके रख दो और कैलकुलेट कर लो, यही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब 2 आ जाएगा, पाई R स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी एक्स एंड दैट इज 0 टू R, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आर स्क्वायर आर और माइनस आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कर लो, तो पूरा सॉल्व करोगे तो वाई सी एम जो मिलेगा वो मिलेगा 4 आर अपान 3, 4 आर अपान 3 पाई के इक्वल आ जाएगा, 4 अपान 3 पाई। सिमिलरली एक्स एक्सिस, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास 4 अपान 3 पाई के इक्वल आ जाएगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिंपल इक्वल आएगा, मतलब अगर ये डिस्क है, दिस इज द डिस्क, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा,
ठीक है, और वो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में।